नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अंकित तिवारी है और मेरे चैनल कूलिंग मंत्रा पे आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ गांधीनगर के एक बहुत बड़े एग्जीबिशन में, जिसको बोलते हैं खाद्य खुराक, और यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप की मशीनें हैं। आज मैं आपको वन बाय वन करके काफ़ी सारी मशीनों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मशीन है अंदर। सबसे पहले तो हम देखते हैं, ये कोल्ड रूम है, ये डिस्प्ले टाइप का कोल्ड रूम है। इसमें आप सामने स्टोरेज कर सकते हैं और बैक साइड में इसमें स्टोरेज है। ये आपने जनरली सुपरमार्केट मॉल्स में देखा होगा। यदि आपको ऐसा कोई मल्टीपल प्रोडक्ट चाहिए जिसमें आप डिस्प्ले भी कर सकें और स्टोरेज भी कर सकें, तो ये उसके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। फिर इसके आगे बहुत सारे कोल्ड रूम्स लगे हुए हैं लाइन से, हम देख सकते हैं डिफरेंट टेम्परेचर में कोल्ड रूम्स हैं। इसमें लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर, तीनों टाइप के कोल्ड रूम्स लगे हुए हैं। इसको भी हम देख सकते हैं अंदर से। ये कोल्ड रूम है जिसके अंदर एक ये एंटी रूम है, एंटी रूम के बाद एक माइनस का कोल्ड रूम है जिसको हम बोलते हैं लो टेम्परेचर, -22 से 18 टेम्परेचर है इसका। आप इसकी कूलिंग को फील कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं तो एक कर्ड इंक्यूबेटर है। यदि आपको दही ज्यादा मात्रा में बनाना है तो इसमें हीटिंग कूलिंग दोनों होती है। आप देख सकते हैं ये एक मिनी कर्ड है, इसके अंदर दोनों चीजें हैं। ऊपर कूलिंग का सिस्टम लगा हुआ है, नीचे हीटिंग का सिस्टम लगा हुआ है। हीटिंग के बाद आप इसको कूलिंग पे डाल देंगे, आपका प्रोडक्ट कंप्लीट होके इससे आप बाहर निकाल सकते हैं। फिर ये हमारा एक ब्लास्ट फ्रीजर है। ये देखिए -40 डिग्री तक आता है। इसमें आप आइसक्रीम, फ्रोजन आइटम, कॉर्न, ग्रीन पीस इत्यादि को फ्रोजन करके और उसको सेल कर सकते हैं। इसका मार्केट भी आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज फ्रोजन इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, जिसके लिए एक ये सुटेबल ऑप्शन है। ये आप देख रहे हैं ये कैंडी प्लांट है, इसमें कैंडी की मैन्युफैक्चरिंग होती है। आप इसमें जो भी आपका रॉ मटेरियल है इन मोल्ड्स में आप फिल कर दीजिए और उसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ये जब पूरी तरह से फ्रीज हो जाए तो आप इसको निकाल के और स्टोर कर सकते हैं। ये मिनी ब्लास्ट फ्रीजर है जो नए स्टार्टअप है उनके लिए बहुत उपयोगी है। ये 50 kg से स्टार्ट है। अभी आपने जो देखा था वो 200 kg का था, ये 50 kg से स्टार्ट है। यदि आपका छोटा बिजनेस है, आप स्टार्टअप है, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ये आइसक्रीम प्लांट है, इसमें पॉस्चराइजर है, ये होमोनाइजर है, बीच में पीएचई लगी हुई है, आगे एजिंग बेड लगा हुआ है। ये पूरा आइसक्रीम प्लांट है, इसमें आप वाटर, मिल्क पाउडर एंड स्टेबलाइजर इंग्रेडिएंट डाल के उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है उसके बाद आपको आइसक्रीम का जो रॉ मटेरियल है वो बन के तैयार। ये पूरा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है, इसमें आप पूरे मिल्क को प्रोसेस करके पैकेजिंग कर सकते हैं। एक कर्ड इंक्यूबेटर है, स्मॉल है, ये जो आपने अभी देखा था वो लार्ज स्केल के लिए है। यदि आपको 250 kg बनाना है तो उसके लिए सफिशिएंट है। इसमें हीटिंग कूलिंग दोनों होती है साथ में। ये हॉरिजॉन्टल हार्डनर है, छोटे आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर या फ्रोजन आइटम जो बनाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। इसका प्राइस भी कम आता है, लो प्राइस में एक अच्छा प्रोडक्ट है ये। ये दूध के लिए BMC है, बल्क मिल्क चीलर जिसको हम बोलते हैं। ये 500 लीटर्स की है, इसमें काफ़ी सारी रेंज आती है अभी जो अवेलेबल है, या 500 लीटर्स की है। ये एक टनल टाइप हार्डनर है, ये 2 विंडो का हार्डनर है। इसमें आप एक तरफ से प्रोडक्ट लोड करते हैं, फ्रीज होने के बाद उसको दूसरी तरफ से अनलोड कर लेते हैं। ये -40 डिग्री तक जाता है। यदि आपका प्रोडक्शन थोड़ा सा लार्ज स्केल का है तब ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए आगे देखते हैं और क्या है। ये एक प्लांट है, CIP बोलते हैं जिसको। बड़े प्लांटों में हमें लाइनों को क्लीन करना होता है, CIP करना होता है मिल्क प्लांटों में, उसके लिए सिस्टम बनाया गया है। ये एक हीट पंप ड्रायर है। हीट पंप ड्रायर का मतलब होता है कि ये कोई भी चीज़ को सुखा देता है गर्मी से और फिर उसको आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास जो ऑप्शन था वो फ्रोजन का था, उसमें ही हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप इसमें जो प्रोडक्ट देख रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स को सुखाया जा सकता है और उसको एक लंबे समय के लिए स्टोर किया सकता है। ये एक फ्रिज ड्रायर है, ये मशीन शायद ही आपने में से बहुत कम लोगों ने देखी होगी। एक नई टेक्नोलॉजी है। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, प्रोडक्ट को सुखा के रखना, दूसरा होता है उसको फ्रीज करके रखना। ये फ्रीज ड्राएंगे, इसमें ना सुखाते हैं ना हम फ्रीज करते हैं, फिर भी आपका जो प्रोडक्ट है सालों साल चलता है। इसके अंदर किया क्या जाता है, ये एक तो चैम्बर देख रहे हैं, आपका जो भी रॉ मटेरियल है उसको आप इसमें लोड कर दीजिए और फिर इसको बंद कर दीजिए। ये वैक्यूम करता है, इतना वैक्यूम करता है कि जो प्रोडक्ट के अंदर का मॉइस्चर होता है वो पूरा एवोपरेट हो जाता है, और एवोपरेट होने के बाद वो प्रोडक्ट सूख जाता है आपका और लंबे समय चलता है। हीट पंप ड्रायर जो होते हैं वो हीट से करते हैं तो थोड़ा कलर चेंज होता है आपके प्रोडक्ट का, लेकिन इसके अंदर वो समस्या भी नहीं आती क्योंकि ये
हीट से नहीं करता है, ये वैक्यूमिंग से उसके जितना मॉइस्चर उसको एवोपरेट करता है, जिससे आपका प्रोडक्ट ड्राई भी आता है और जैसा का तैसा है, जैसा उसका कलर है, टेक्चर है, सब वैसा ही रहता है। तो जो मशीनें मैंने आपको दिखाई हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। आपने मेरी बात को इतना ध्यान सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।